देखने जा रहे हैं सर गंगा राम जी। ये रावी रोड का इलाका है, श्री पादुका लाहौर की जो पुरानी बस्ती है वहाँ पर ये समाधि है। बाहर बारिश की है वैसे यहाँ पर। काफ़ी मुश्किल लगी हमें ये ढूंढने में ना, क्योंकि ये रास्ता बड़ा अंदर करके है क्रीम पार्क में। अगर आप मीनारे पाकिस्तान के फ्लाईओवर से उतरें फिर आपको आगे से यू टर्न लेकर आना पड़ता है और फिर क्रीम पार्क में इलाके में जाके गाड़ी बाहर पार्क करनी पड़ती है और फिर वहां से पैदल यहां पे आपको इसे ये समाधि है सामने सर गंगाराम की। और जैसे आपको पता है लाहौर का बहुत बड़ा इमोशन, बहुत ही शानदार आर्किटेक्ट थे ये, और यहाँ पे वो उनकी तकफीन है, कबर है उनकी यहाँ पे, समाधि जिसको हम कहते हैं। तो काफ़ी बड़ा आता है ये, साथ मस्जिद है। सिक्योरिटी गार्ड की यहाँ ड्यूटी थी, बहुत कम लोगों का मुझे लगता है यहाँ पे आना जाना, इलाके के लोगों को भी ज़्यादा ज़्यादा नहीं पता था। जो पुराने जाने वाले हैं उनको ही शायद थोड़ा बहुत अंदाज़ा था कि यहाँ पे सर गंगाराम की समाधि है। कुछ लोगों ने तो ये समझा शायद जैसे हम गंगाराम हॉस्पिटल में हैं। उसके अंदर से जाकर देखते हैं ताला लगा रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड को कहते हैं कि मुझे निकाल दें। जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये सेफ्टी कंप्लीट के बाद फैशन है और उन्होंने लाहौर शहर में लाहौर म्यूजियम बनाया, एक्सन कॉलेज बनाया, न्यू स्कूल ऑफ आर्ट्स इसको हम लोग NCA कहते हैं, लाहौर हाई कोर्ट की बिल्डिंग, GPO की, और न्यू हॉस्पिटल का जो अल्बर्ट विक्टर विंग है इतना शानदार और इतना खूबसूरत है कि आप यहाँ जाके बिल्कुल मबहूत हो जाते हैं। ये जो इनफैक्ट न्यू हॉस्पिटल उसके शायद बाद में बना रहे हैं, ये भी विंग है अल्बर्ट विक्टर विंग, ये पहले है LA कॉलेज ऑफ कॉमर्स। वो तो हमने आपने जैसे बताया कि वो इनकी राजशाह थी सत्रह के बाद उन्होंने डोनेट की तो वहाँ पर कहीं आने का लेडी मैकलगन गर्ल्स हाई स्कूल वो इन्होंने डिजाइन किया। रावी रोड का ऑर्फनेज, सर गंगाराम ट्रस्ट एक बिल्डिंग है माल रोड पर, बड़ी शानदार। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे जो फिलंथ्रोपी के काम हैं वो उन्होंने किए। उन्होंने लारा पुर पे 1925 में उस जमाने में एक हाइड्रो पावर स्टेशन बनाया जहाँ से वो 1 मेगावाट कार्बन बिजली पैदा होती। बहुत ही शानदार और तो यहाँ पे पता भी नहीं था कि इतना बड़ा शख्स है इसकी ये समाधि है। और इसकी हालत भी अगर आप देखें तो कोई इतनी विविधता से कोई खास मेंटेनेंस नहीं है, बट ऐसे ही क्या किया गया सोच किया।